हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 8 की जो ये आपके पास मैथ्स की एनसीईआरटी की बुक है ना, इसका जो हम चैप्टर नंबर 5 कर रहे हैं स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट, वही चैप्टर आगे कंटिन्यू करूँगी। लास्ट क्लास में मैंने आपको स्क्वायर रूट निकालना सिखाया था डिवीज़न मेथड से, है ना, जिसमें हमने एग्जाम्पल नंबर 9 से ये मेथड सीख लिया था। चलिए आज एग्जाम्पल नंबर 10 शुरू करते हैं। यहाँ पर आपसे यहाँ क्या कह रहे हैं, फाइंड द लीस्ट नंबर दैट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5607 so as to get a perfect square. Also find the square root of the perfect square. कह रहा है एक ऐसा छोटा नंबर बताओ जिसको अगर आप इसमें से सब्ट्रैक्ट करो तो एक परफेक्ट स्क्वायर आ जाए। इसका मतलब ये अभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये आपको पता है ना, और साथ साथ उसका स्क्वायर रूट भी निकालना है। अब आप सोच रहे होंगे ऐसे क्वेश्चंस आपने पीछे भी किए थे, इसमें मैं आपको लॉन्ग डिवीज़न मेथड से कराऊंगी। तो आपको कैसे पता चलेगा कि कब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगाना है स्क्वायर रूट निकालने के लिए, कब लॉन्ग डिवीज़न। देखो जब भी वो बोले व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड और व्हाट मस्ट बी एडिड, तो उसमें हमेशा आपको स्क्वायर रूट लगाना है, ये वाला मेथड लगाना है डिवीज़न मेथड। पर जब भी बोले व्हाट मस्ट बी मल्टीप्लाई और व्हाट मस्ट बी डिवाइडेड, तो उसमें आपको हमेशा प्राइम फैक्टराइजेशन वाला मेथड लगाना है। बस ये दो चीज़ें याद रख लो, क्लियर। तो इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो पहले हम देखते हैं डिवीज़न मेथड से कि इसका रिमाइंडर बचता क्या है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम करते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर है 10 आपके पास। 5607 है। अब आपको आ गया होगा ये डिवीज़न मेथड, दो दो की पेयरिंग कर दी पीछे से। 56 से छोटा स्क्वायर नंबर है 4977, जा माइनस करोगे 7 बचेगा, ये पेयर नीचे उतार लेंगे। 7 का डबल किया 14 आ गया। 707 चाहिए, 707 कहीं पर भी नहीं आएगा क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इससे छोटा ही कोई नंबर देखो, 3 पे देखो। 3 जा 9, 3 4 जा 12, छोटा आ रहा है। एक बार 4 पे देखो, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 और एक 17, 576 आ रहा है। एक बार 5 पे और चेक कर लो, वरना 4 वाला ही ले लेंगे। 5 5 जा 25, 4 5 जा 20 और एक 22 और एक 7, बड़ा आ रहा है तो 4 लेंगे। 4 यहाँ पर, 4 यहाँ पर, तो ये आ गया 576। माइनस किया 31 बच गया, लेकिन अब ऊपर कोई पेयर बचा ही नहीं है लिखने के लिए क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं था ना, इसलिए यहाँ रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आया। तो आपको कह रहा था लीस्ट नंबर बताओ जो सब्ट्रैक्ट करना है। तो रिक्वायर्ड लीस्ट नंबर इज इक्वल्स टू, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा 5476। साथ साथ इसका स्क्वायर रूट भी बताना है। अब इसका स्क्वायर रूट निकालने की ज़रूरत नहीं है, जो ये ऊपर आया वही इसका स्क्वायर रूट है। दो चीज़ें पूछी थी, लीस्ट नंबर और स्क्वायर रूट, दोनों ही चीज़ें हमने यहाँ बता दी, क्लियर। चलिए एग्जाम्पल 11 करते हैं, वो भी कुछ ऐसा ही है। फाइंड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। ऐसी ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर बताओ जो परफेक्ट स्क्वायर हो। वैसे देखा जाए तो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर मेरे पास 9999 होती है ना, तो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर वो मेरे पास 9999 होती है। अब मुझे नहीं पता ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, तो चलो पहले चेक कर लेते हैं। अगर रिमाइंडर ज़ीरो आया तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, और अगर नहीं आया तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। 99 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर 81 होता है। यहाँ 8 बचा, यहाँ 1, ये पेयर नीचे लिख लिया, डबल कर दिया, 18 आ गया। बड़ा नंबर है, पता है 9 पे ही जाएगा हर हाल में। रिमाइंडर बचा 198। अब कोई पेयर ही नहीं होता आने के लिए, तो इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो अगर मैं 198 को इसमें से माइनस कर दूंगी तो मेरा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा और 4 डिजिट नंबर भी आ जाएगा। तो यहाँ लिख देते हैं रिक्वायर्ड ग्रेटेस्ट 4 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो 9999 माइनस 198, 9801। और 9801 99 का ही परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब 99 × 99 करोगे तो 9801 ही आएगा। वो आपसे पूछा नहीं है, यहाँ स्क्वायर रूट पूछता तो 99 लिख देते। क्लियर। चलिए आते हैं एग्जाम्पल 12 पे। Find the least number that must be added to 1300 so as to get a perfect square. Also find the square root of the perfect square. अब यहाँ सब्ट्रैक्टेड की जगह एडिड है। ऐसा एक नंबर बताओ, छोटा नंबर, जिसको अगर आप इस 1300 में ऐड करो तो ये 1300 जो है ऐड करने के बाद परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। साथ साथ उसका स्क्वायर रूट भी बता दो। इसका मतलब ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो पहले रिमाइंडर देखते हैं क्या बचेगा। तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, क्योंकि वही परफेक्ट स्क्वायर है 13 से छोटा। ये पेयर मैंने नीचे लिख लिया। 3 का डबल किया तो 6 आ गया, यहाँ पर भी 6, यहाँ पर भी 6, 396 आ गया। रिमाइंडर बच रहा है 4। अब ऐसा नहीं है कि हम सब्ट्रैक्ट में क्या करते थे, इस रिमाइंडर को इसमें से माइनस कर देते थे तो जो नंबर चाहिए वो मिल जाता था, और एडिशन में क्या करें, इसमें इस नंबर को प्लस कर दें। ऐसा नहीं होगा, एडिशन का केस अलग है। तो 1300 आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। पर अगर आप 36 का स्क्वायर देखो, इसका मतलब वो 1300 से जो है वो छोटा है, उसका स्क्वायर छोटा है ना, क्योंकि अगर 36 का स्क्वायर होता तो ये पूरा पूरा चला जाता। अब मुझे देखना है कि इसके बाद वाला नंबर क्या होगा। ठीक है, तो 36 का जो भी स्क्वायर होगा वो इस 1300 से क्या होगा, छोटा होगा। तो नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर देखते हैं हम। वो जाएगा 37 का स्क्वायर, जो मेरे पास क्या होता है 1369। तो इसका मतलब अगर मैं इसमें 69 ऐड कर दूं, क्योंकि यहाँ 1300 है, यहाँ 1369 है, 69 ऐड कर दूं तो ये मेरा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, ना। तो रिक्वायर्ड लीस्ट नंबर 1369 माइनस 1300, आंसर आ गया मेरा 69। क्लियर। ये था मेरे पास एग्जाम्पल 12। चलिए 3 एग्जाम्पल कर लिए आज की क्लास में हमने। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल वाला टॉपिक समझाने वाली हूँ कि अगर डेसिमल में नंबर दिया हुआ हो तो उसका स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। उसके आपके पास 2 या 3 एग्जाम्पल हैं, तीनों एग्जाम्पल एक ही क्लास में कर लेंगे, कंप्लीट हो जाएगा हमारे एग्जाम्पल। फिर एक्सरसाइज शुरू कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 ऑलरेडी मैं करा चुकी हूँ, चैनल पे अपलोड है, आप वहाँ से कर सकते हैं। बाकी के क्वेश्चंस आपको उसके बाद नेक्स्ट क्लास में मिल जाएंगे। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर कीजिएगा। इस चैनल पे आपको 8th क्लास का पूरा मैथ्स का स्टडी मटेरियल मिलेगा। एक और चीज़, DOE की तरफ से आपका सिलेबस आ गया है मिड टर्म का और एनुअल एग्ज़ाम का, वो भी चैनल पर अपलोड है, आप वहाँ से देख के अपनी बुक में मार्क कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।